हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जीरो और एक नंबर कान्हा जी के लिए ये बहुत ही प्यारी फ्लावर ड्रेस बनाना बताऊंगी। ये मैंने ऑरेंज और येलो कलर में बनाई है, आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चोली बनाकर हमने तैयार कर ली है और स्लिप स्टिच के साथ हम साइड तक आ गए हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 प्लाई की वूल यूज की है, बेबी सॉफ्ट वूल ये हमारे पास है, और यहाँ पर 13 mm का हमने क्रोशिया हुक यूज किया है। अब देखिए साइड से हम, और यहाँ पर देखिए 5 इधर 5 इधर और 10 पीछे, टोटल हमारे पास यहाँ पर 20 डबल क्रोशिया हैं। अब देखिए साइड से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 तीन चैन लेने के बाद इसी में हम दोबारा से डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो सेम प्लेस पर हमारे यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। उससे नेक्स्ट में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाया और फिर से एक बार और बनाएंगे, तो नेक्स्ट में भी हमारे ये 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। उससे नेक्स्ट में भी 2 बार, एक बार बनाया और फिर से यहीं पर एक बार और बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है और इस धागे को मैंने यहाँ से देखिए कट कर दिया है। हर एक में 2 2 डबल क्रोशिया बनाकर मैंने इस रो को कंप्लीट किया है। अब देखिए यहीं से हम इस तरह से ये येलो कलर अटैच करेंगे। इस तरह से यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमने यहाँ पर चैन ली। 1 2 3 तीन हमारी डबल क्रोशिया के हाइट की है और 7 चैन हमने ऊपर ली है। देखिए इस तरह से यहाँ पर लूप लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3rd चैन के ऊपर। देखिए 7 चैन से हमारा ये एक लूप बन गया और डबल क्रोशिया हमने 3rd चैन में जाकर किया है। देखिए इस तरह से, और फिर से इस तरह से लूप लेंगे और जहाँ पर ये हमने डबल क्रोशिया बनाया है यहीं पर डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये वी स्टिच बन गया और ऊपर लूप बन गया, इस तरह से बनेगा। अब दोबारा से फिर देखिए 1 2 चैन हम गैप के लिए लेंगे और नीचे से देखिए 1 2 2 चैन हम स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट चैन में जाएंगे और जो ये धागे हैं इनको हम इस तरह से साथ में ले लेंगे, ये अंदर की तरफ ही हाइड हो जाएंगे। और देखिए 3rd में जाकर हम पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जिस तरह से हमारा ये डबल क्रोशिया की हाइट का है, उसके बाद हम 7 चैन लेंगे। यहाँ पर टोटल हमने शुरू में 10 चैन ली थी, 3 डबल क्रोशिया की हाइट की और 7 से हमने ये लूप बनाया है। इस तरह से देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 चैन ली और इस तरह से लूप लिया, और जहाँ पर ये डबल क्रोशिया है देखिए इस तरह से यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से हमारा ये ऊपर की तरफ एक लूप बन जाएगा और इस तरह से देखिए फिर से धागा लपेटेंगे और जहाँ हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है वहीं पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए नीचे हमारा ये वी स्टिच बनेगा और ऊपर एक लूप बनेगा। फिर से 2 चैन लेंगे गैप के लिए और नीचे से 1 2 2 चैन स्किप करेंगे और 3rd चैन में जाकर फिर से हम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 7 चैन से लूप बनाएंगे, 5 6 7 इस तरह से लूप लिया और जहाँ पर ये डबल क्रोशिया है यहाँ पर इसको इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे और फिर से लूप लेंगे और इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए हमारा ये पैटर्न बनता चला जाएगा और इसी तरह से मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमने 2 चैन बना ली है। देखिए लास्ट में हमारे पास 1 2 2 चैन बची हैं। आपके पास कम या ज़्यादा हो तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं, 1 2
कम या ज़्यादा आप नीचे की तरफ ऐड कर सकते हैं। अब देखिए दो चैन लेने के बाद जहाँ पर ये तीन चैन हैं, जहाँ पर ये जॉइंट है, वहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चैन लेंगे और देखिए जो हमारे पास ये गैप है, वी स्टिच के बीच में गैप है ये वाला, इसके अंदर हम वर्क करेंगे। इसको इस तरह से बैक की तरफ कर देंगे और इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, फिर से बनाया पांच डबल क्रोशिया, और जो ये लूप है इसको हम बैक की तरफ ही छोड़ देंगे। देखिए ये वाला लूप, इसको हम बैक की तरफ छोड़ देंगे, बाद में इसमें वर्क करेंगे। अब देखिए वी स्टिच के हम इधर वाली साइड में वर्क करेंगे, इस तरह से उठाएंगे और इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, फिर से बनाया चार डबल क्रोशिया। चार डबल क्रोशिया हमने इसके अंदर बना लिया। अब इधर वाली साइड का जो लूप है वी स्टिच का, इसमें हम चार बार इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर से बनाया दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, फिर से बनाया चार डबल क्रोशिया। तो चार हमने इधर वाली साइड, चार इधर वाली साइड, और बीच में हमने पांच बनाया था। अब देखिए जो हमने पीछे ये लूप बनाया हुआ है, सेवन चैन से इसके अंदर वर्क करेंगे इस तरह से। अब हम घुमाते हुए इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, पांच डबल क्रोशिया, छह डबल क्रोशिया, सात डबल क्रोशिया, आठ डबल क्रोशिया, नौ डबल क्रोशिया, दस बार डबल क्रोशिया, इस तरह से ग्यारह बार डबल क्रोशिया, बारह डबल क्रोशिया, तेरह डबल क्रोशिया, और ये चौदह डबल क्रोशिया। तो सेवन चैन के अंदर हमने चौदह डबल क्रोशिया यानी कि फोर्टीन डबल क्रोशिया हमने इस बैक वाले के अंदर बनाए हैं। अब देखिए इस तरह से लूप लेंगे और नेक्स्ट जो हमारा ये बीच में है वी स्टिच के, इस तरह से इस लूप को हम बैक की तरफ छोड़ देंगे। इसमें हम लास्ट में वर्क करेंगे इस तरह से। फिर से हम इसके अंदर जैसे हमने यहाँ पर बनाया था पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, दो, तीन, फिर से बनाएंगे चार, और फिर से बनाया पांच, इस तरह से। देखिए पांच बनाने के बाद फिर हम इधर वाली साइड वर्क करेंगे, उसके बाद हम इस साइड आएंगे घुमाते हुए और फिर बैक का ये लूप है इसके अंदर वर्क करेंगे। देखिए इस तरह से बनाया, बनाने के बाद लूप लेंगे और इस साइड के वी स्टिच के चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, और देखिए ड्रेस को इस तरह से घुमाएंगे और लूप लेंगे, इधर वाली साइड में भी चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, दो, तीन, चार, चार हमने इस साइड बना लिए। अब देखिए इस तरह से लूप लेंगे और जो बैक में सेवन चैन है उसके अंदर फोर्टीन यानी कि चौदह डबल क्रोशिया इसके अंदर हम बना लेते हैं, फिर आगे बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बन रहा है और इसके अंदर मैंने चौदह डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए फिर से हम इस तरह से लूप लेंगे और इसके अंदर फिर से फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और देखने में ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है। ये मैंने जीरो और एक नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है।
देखिए छोटे बड़े साइज में इसको आप आसानी से बना सकते हैं। आप चाहे घेरा फ्रंट पोस्ट वाला भी बना सकते हैं या सिंपल घेरा, और रो अपने हिसाब से जितना बड़ा आपको रखना है उसके बाद आप ये डिजाइन डालें, तो आप इसको छोटे बड़े साइज में आसानी से बना सकते हैं। देखिए आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।